गुड मॉर्निंग बच्चे, मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड के बारे में। मैंने कल भी आपको वीडियो बताई थी, उस क्वेश्चन को मैंने कल आपको सिर्फ टॉपिक समझाया था, लेकिन मैं अब आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये जो फोर केसेस थे, फोर केसेस के लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ और फिर एग्जाम्पल्स आपको एक बार समझाता हूँ कि कैसे इसको हम करते हैं। अब एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 है डीके गोयल बुक का। ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3, ये उनके ओल्ड रेशियो है। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन इक्वली, अब वो चेंज करना चाहते हैं, वो इक्वल करना चाहते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 एंड एक्सेप्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2016 इज एज फॉलोस। ये आपको रिजर्व दिया हुआ है 40,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 का है। और इसको चारों केसों में मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे। केस नंबर फर्स्ट, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, अगर हमारे सामने कोई इंफॉर्मेशन और नहीं है, केस नंबर फर्स्ट बनता है। केस नंबर सेकंड है, इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट्स ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड ₹25,000, 25,000 रुपए का अगर वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटीज हमारे साथ क्लेम आता है, क्लेम का मतलब लायबिलिटीज, आपके पास 25,000 रुपए की लायबिलिटीज है। थर्ड केस में अगर ऐसे ही एस्टिमेटेड लायबिलिटीज 40,000 की है, 40,000 का ही हमारा रिजर्व था, 40,000 की लायबिलिटीज है, यानी कि कोई भी प्रॉफिट या कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर्स में नहीं बांटा। और फोर्थ केस है, इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट्स ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 50,000, अगर ये 50,000 है जबकि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन कितना है 40,000 और लायबिलिटीज कितनी आती है 50,000, यानी कि 4,000 हमारे पास एक्स्ट्रा है। अब मैं आपको केस नंबर फर्स्ट के बारे में डिटेल से बताता हूं। पहला केस है, आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 में रखा है। इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो 40,000 हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसे बिना किसी क्लेम के पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, क्योंकि उसके पीछे कोई देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब कोई क्लेम के बारे में नहीं बताया होगा। तो हमने क्या किया कि इसको 40,000 को ओल्ड रेशियो में 2:3 में बांट देंगे, 2:3 40,000 को डिवाइड कर दिए 2:3, 2 और 3 कितना हो गया 5, तो फर्स्ट 8 times 8 to 16, दूसरा हो गया 3 times 24, तो हमने ए के सामने 16 लिख दिया और बी के सामने 24,000। इस तरीके से हमने फर्स्ट केस को सॉल्व किया क्योंकि इसके पीछे कोई लायबिलिटीज हमारे पास नहीं थी। सेकेंड केस है, इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 25,000, 25,000 रुपए वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमारे पास 25,000 रुपए, तो हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें कितना दे रखा है, रिजर्व दे रखा है 40,000 रुपए, 40,000 रुपए में से 25,000 रुपए हमने क्लेम के निकाल दिए, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटीज या क्लेम के नाम से 25,000 रुपए बचे। कितने 40,000 में से 25 माइनस करने के बाद हमारे पास जो बचेगा वो 15,000 रुपए, 15,000 हमारे पास है, 15,000 दोनों ए और बी दोनों को रेशो बांट देंगे, रेशो क्या होंगे 2:3, यानी कि 6,000 इस पे और 9,000 इस पे, बेसिक से निकाल लो 15 को डिवाइड बाई 5 इंटू में 2, 6, 15 डिवाइड बाई 5 इंटू में 3, तो ये 9,000 और 9,000 ए और बी में बांट दिए। क्लेम के बाद जो अमाउंट बचा, जैसे 40,000 हमारे पास क्लेम था, वो रिजर्व था, 25 उसमें से पूरे कर लिए, बचे 15,000 हमने दोनों में 2:3 में बांट दिए ए और बी में उनके रेशियो। अब केस नंबर थर्ड है, केस नंबर थर्ड में क्या है,
इफ ए क्लेम अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड 40,000, 40,000 ही रिजर्व है और 40,000 ही क्लेम आ गया, तो क्या करेंगे? कोई भी पैसा हम पार्टनर्स में नहीं बांटेंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटीज सीधा 40 से 40, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को 40,000 को वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटीज 40,000 में ही डिवाइड कर देंगे, पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलना। इसे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, यानी कि एक तरीके से प्रोविजन रखते हैं, रख रखा है हमने, इतना पैसा हम उनके लिए बना के रखेंगे, आप इसे प्रोविजन भी कह सकते हैं, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटीज। फोर्थ केस है, इस केस में रिजर्व हमारे पास 40,000 है और क्लेम जो है 50,000, यानी कि 10,000 रुपए क्लेम फाल हो, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, शॉर्ट फॉर्म में WCF निकलता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड के नाम से, अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन 10,000 रुपए घर से देने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास रिजर्व 40,000 था और लायबिलिटीज आ गई 50,000, टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटीज 50,000। अब 50 और 40 का डिफरेंस 10,000, ये रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन का लॉस हो जाएगा, लॉस को पार्टनर्स में हम 3:2 में बांट देंगे, इस रेशियो 2:3 में 10,000 का लॉस है रिवैल्यूएशन का, 4,000 ए ला के देगा और 6,000 बी ला के देगा, क्योंकि जो रिवैल्यूएशन हमारे पास बढ़ेगा रिवैल्यूएशन का लॉस, तो लॉस को पार्टनर्स आपस में बियर करेंगे 4:3 रेशियो में, जो कि हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो देता है। तो ये चार केस है जो हमारे कंप्लीट होते हैं। ये केस एक बार फिर मैं बताता हूं कि क्योंकि इसमें क्लेम हमारे पास ज्यादा है और लायबिलिटीज हो रिजर्व हमारे पास कम है, तो जितना क्लेम ज्यादा होगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा और रिवैल्यूएशन का लॉस मानेंगे, लॉस को पार्टनर्स आपस में मान लेंगे, बांट लेंगे। इसमें दो एंट्री होंगी, इससे पहले सभी जितने भी तीनों केस थे सिर्फ एक एंट्री होती थी, लेकिन इसमें क्योंकि रिवैल्यूएशन का जो लॉस होगा उसे पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। इस तरीके से ये जो मैंने कल का टॉपिक था वो कराया है, वो सॉल्व चारों केसों में सॉल्व करके आपको दिया है, इसे आप करें, उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे आपको समझ आए।